और क्या क्या हुआ, शरद यादव जी को मंडल मसीहा भी कहते हैं। वो देखा सब लोगों ने, जो मांगने वाले थे आप वो देने वाले बन गए, और सारे महकमों में हालांकि कम लोग थे लेकिन दिखने लगे, पिछड़ी जातियों के लोग, मुसलमान लोग, ये सब लोग दिखने लगे, थानेदार से लेके डीएसपी से इंस्पेक्टर से लेके आपको जहां तहां कलेक्टर और एसपी भी दिखने लगे। पहले उनको कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता था। जो नेता टिकट मांगने के लिए जाते थे वो टिकट देने वाले बन गए, लेकिन धीरे धीरे कोई क्रांति होती है, इनकलाब होता है तो प्रतिक्रांति भी होती है। तो अभी हम लोग प्रतिक्रांति के दौर से गुजर रहे हैं। कमंडल का हमला पहले ही हो गया है, अब जो मंडलवादी जो ताकते हैं और उसका परिष्कृत रूप अभी सामने आया है कि हम लोग अब बहुजन कह रहे हैं, उसमें सब आ जाता है, बाबा साहब भी आ जाते हैं, मंडल भी आ जाता है, लोहिया जी भी आ जाते हैं, महात्मा फूले वगैरह सब लोग आ जाते हैं। और हमको अच्छा लगा कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के छात्र नेता आए हैं यहाँ, जामिया के छात्र नेता आए हैं यहाँ, और कई जो दूसरे मुस्लिम समाज के छात्र नेता यहाँ बोले हैं। खास करके मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये बात सही है कि जामिया के का जो माइनॉरिटी स्टेटस है उसको खतरा है, ये बात सही है कि अलीगढ़ का जो माइनॉरिटी स्टेटस है उससे उसको महरूम करने की कोशिश हो रही है, लेकिन हम ये भी कहना चाहते हैं और उसका अक्स हमें इन नेताओं की बात में दिखाई पड़ा है, उसको थोड़ा सा और खुल करके मैं बताना चाहता हूं कि आप अकेले अपना माइनॉरिटी स्टेटस नहीं बचा सकते हैं। यूनिवर्सिटी को छोड़ दीजिए, इस पूरे देश के मुसलमान अकेले नहीं बचा सकते। इसीलिए ये वक्त की मांग है शब्दावली में बदलने की। मैं तो कहता हूं भाई, ठीक है अकलियत जो शब्द है, माइनॉरिटी है जिसको हिंदी में अल्पसंख्यक कहते हैं, वो एक है सरकारी जुबान का शब्द है, उसे बहुत कुछ मिलता उलता नहीं है, लेकिन जो है और उसको खत्म भी हम करने के पक्ष में नहीं है, लेकिन आज वक्त की जरूरत है कि हम माइनॉरिटी सिंड्रोम से मुसलमान लोग बाहर निकलें। हम अकलियत जब कहते हैं, माइनॉरिटी कहते हैं, तो एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी हमारे अंदर पैदा होता है। कुछ लोग कहते हैं कि सेकेंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी कहा जाए, हमको इस बात से भी पर भी गुरेज है कि क्यों कहा जाए। अरे भाई, हम इस देश के मूल निवासी हैं, हम इस देश के बहुजन हैं, और इस मानसिकता के साथ हमको आगे बढ़ करके लड़ाई को लड़नी है और लड़ाई को नया आयाम देना है। चिंता व्यक्त की है हमारे छात्र नेताओं ने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के, सभी धर्मों के शायद मानने वाले, हिंदू मुसलमान किया जा रहा है, तो वो तो करेंगे ही, वो नहीं करेंगे तो मर जाएंगे। तो उसके बरक्स
हमको एससी एसटी ओबीसी वो भी हमारी धार्मिक पहचान है, ठीक है, हम शेरवानी पहनते हैं, हम टोपी पहनते हैं, हम दाढ़ी रखते हैं, हम जानते हैं कि बसों से खींच करके, ट्रेनों से खींच करके, सड़क और बाजारों में धार्मिक पहचान को लेकर के मारा जा रहा है, लेकिन हमको अकेले अगर हम ये कहेंगे, इसलिए हम कहते हैं कि कुछ लोग हिंदू धर्म के ठेकेदार बन गए हैं और कुछ लोग मुसलमानों के भी ठेकेदार बन जाते हैं। कोई हिंदू धर्म सम्मेलन करता है बचाने के लिए, तो कोई दीन बचाने का भी सम्मेलन करता है। अरे भाई, दीन बचाने के सम्मेलन की जरूरत नहीं है, दस्तूर बचाने के सम्मेलन की जरूरत है। दीन पर कोई खतरा नहीं है, न हिंदू धर्म पर खतरा है, न मुसलमान पर खतरा है, न ईसाई पर, न किसी धर्म पर नहीं खतरा है। खतरा है भारत के संविधान पर, खतरा है इस मुल्क के जमहूरियत पर। इसको बचाने के लिए खतरा है इस देश की साझी विरासत पर। शरद यादव जी इस उम्र में एक योद्धा की तरह से निकल पड़े हैं और सभी पार्टियों को लोग, ठीक इस जैन नौजवान छात्र नेता ने कहा कि चाहे अंबेडकरवादी हो, चाहे लोहियावादी हो, चाहे वो मार्क्सवादी हो, चाहे वो गांधीवादी हो, और कोई वादी नहीं हो, अगर उनमें ह्यूमैनिटी है, इंसानियत है, तो आज सबसे बड़ा जो खतरा है संविधान बचाने का है, इस देश की जमहूरियत को बचाने। संविधान बचेगा तभी सेकुलरिज्म बचेगा, हिंदू मुस्लिम भाईचारा बचेगा। हम लोगों ने दस्तखत कर दिया है, ज्यादा समय नहीं ले, हम लोगों ने दस्तखत कर दिया है यहां एक मांग पत्र पर, लेकिन वो रस्मी है। हम लोग जानते हैं जहां बेदर्द हो हाकिम फरियाद क्या करना। अरे किससे फरियाद, आप अपनी ताकत को पूछो। नौजवानों में, यूनिवर्सिटीज में बहुत ऊर्जा है। मैं 67 के आंदोलन में मैं स्कूल से निकाला गया था, 67 के, 74 का बाद में हुआ। उस आंदोलन से कौन से मैं देखता हूं बहुत ताकत है। अरे भाई, एक साथ निकलिए, ये कभी मेमोरेंडम वफत लेकर के, डेलीगेशन लेकर के कहीं जाने की जरूरत है, मैं तो जिंदगी भर नहीं गया। आप एक साथ निकले, बिहार होगा, पूर्वी उत्तर प्रदेश होगा, अली अनवर इन तमाम यूनिवर्सिटी के छात्रों को के स्वागत के लिए, और हमारी पार्टी शरद यादव जी के साथ में के रहने वाले लोग माला लेकर के वहां पर आपको स्वागत के लिए हम लोग तैयार रहेंगे। आप लोग किससे फरियाद करते हैं, कहां आग निकलेगी। सबसे पावर जनरेशन, पावर के पावर ग्रिड तो आप लोग हैं, उम्र का तकाजा है। आप लोग निकलिए, उनमें इसकी तैयारी कीजिए। ये संविधान, ये आरक्षण, ये रोस्टर, ये कुछ नहीं बचेगा। आप निकलिए, इसका मूल इलाज है, मूल इलाज है। आप निकलिए, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। निकलिए एक साथ, इसी के साथ निकलिए एक साथ। ये तमाम यूनिवर्सिटी के बच्चे, थोड़े दिन, जेपी ने भी कहा था कि थोड़ा दिन चलो, हम लोग भी कहते थे पढ़ाई और लड़ाई साथ साथ, तो पढ़ाई और लड़ाई साथ साथ चले। और इन यूनिवर्सिटीज के, डीयू के, जामिया के, अलीगढ़ के, जेएनयू के, और जेएनयू के लड़कों ने तो दिखा दिया है किस किस तरह से तोप भी खड़ा किया जा रहा है, लेकिन किस तरह से लड़ रहे हैं, वहां के शिक्षक भी लड़ रहे हैं। तो अब क्या उम्मीद करते हैं शरद यादव जी और मेरे जैसे लोगों को। सीताराम येचुरी भी निकल गए, थोड़े दिन में डी राजा भी निकल जाएंगे, तो क्या उम्मीद करते हैं। सदन की कार्रवाई चल नहीं रही है, तो खाली करो भाई,
निकलो घर से निकलो हिजरत करने में, हिजरत करने में घर से निकलोगे तो बरकत होती है हिजरत करने में। घर द्वार छोड़ करके निकलो, निकलो वहां, वहां चारों तरफ अंधेरा है, निकलोगे तो फिर कितने पता नहीं, एक तो जिग्नेश मेवानी से काम चलेगा, निकलिएगा ये नौजवान महक ललकार करके जिसका नाम जिग्नेश मेवानी है, पूरे देश में घूम रहा है, पूरे देश में लोग सुन रहे हैं। तो इस तरह से आप में से कितने लोगों को जिग्नेश मेवानी पैदा करना पड़ेगा, आप लोग निकलिए, इसी में से जनता चुन लेगी। और फिर लोग हिम्मत लोग करेंगे, जो लोग उधेड़ बूंद में है, फैंस पर जिनको कहा जा रहा है, जनता समझिए, जनता की मानसिकता तैयार हो रही है और एक निर्णायक लड़ाई की, निर्णायक लड़ाई की, फैसला कुन लड़ाई की तैयारी कीजिए। राजनीतिक चेतना से लैस होकर बाबा साहब के विचारों से, लोहिया जी के विचारों से, गांधी की विरासत में भी हम लोग हैं, सबका एक समन्वय बना करके आप लोग निकलिए। आप में ताकत है, आपकी ताकत, आपकी ताकत का मुजाहरा नहीं हो रहा है, तो मैदान में निकलिएगा तो लोग मिलेंगे, लड़ने के लिए लोग तैयार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।